बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। रीट लेवल 1 से 9 लाख बीएड अभ्यर्थी बाहर। तो जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत ही बैड न्यूज़ है बीएड स्टूडेंट के लिए। लेकिन ये जो 9 लाख बीएड के विद्यार्थी हैं वो यूपी बीएड वाले नहीं, राजस्थान बीएड वाले हैं। एक्चुअली में पहले मामला समझिए कि मामला क्या है और हाई कोर्ट ने ये क्यों फैसला दिया कि बीएड के बच्चे लेवल 1 के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले मामला देखिए, तो बीएड के बच्चे वो दोनों लेवल के एग्जाम दे सकते थे, यानी कि एक से लेके 5 तक के भी टीचर बन जाते थे और 6 से लेके 8 तक के टीचर बन जाते थे। लेकिन बात बीएसटीसी वालों की करें और यूपी की बात करें तो डीएलएड वालों की बात करें तो डीएलएड वाले केवल एक ही लेवल के एग्जाम दे पाते थे, वो है लेवल 1। यानी कि डीएलएड जो बच्चे हैं वो केवल 1 से लेके 5 तक के ही शिक्षक बन पाते थे। अब इसमें मामला ये है कि जो बीएड वाले हैं उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है, तो बीए बीएससी बीकॉम बीफार्मा इवन बीटेक करने वाले बच्चे भी बीएड करके लेवल 1 का एग्जाम दे रहे हैं और ये काफी मुश्किल हो जा रहा है डीएलएड वालों के लिए, यानी कि बीएसटीसी वालों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है उन्हें ये एग्जाम क्रैक करना। तो इसी परेशानी से जूझते हुए बच्चों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, राजस्थान हाई कोर्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान हाई कोर्ट में उन्होंने पीआईएल दाखिल कर दिया और आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला बीएसटीसी वालों के हक में सुनाया है कि अब जो लेवल 1 का एग्जाम है वो केवल बीएसटीसी वाले यानी कि डीएलएड वाले ही दे पाएंगे, कहीं-कहीं इसको बीटीसी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बीएड वाले जो बच्चे हैं अब राजस्थान में लेवल 1 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यानी कि जो बच्चे बीएड से अप्लाई कर रहे हैं वो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन पाएंगे, वो केवल 6 से 8 तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली ये तो पहले से था कि डीएलएड वाले 6 से 8 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इससे होगा क्या कि बीएसटीसी वालों के लिए कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, उन्हें आपस के ग्रुप में ही कंपटीशन करना पड़ेगा और एग्जाम क्रैक करके। ये फैसला जो राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि इस फैसले के खिलाफ बीएड वाले, राजस्थान बीएड वाले हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए और फिर जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। हाँ, पहले इन बच्चों की बात सुनिए कि राजस्थान वाले बच्चे कितने ज्यादा उत्साहित हैं, बीएसटीसी वाले वो कितने ज्यादा खुश हैं, इवन सेलिब्रेट कर रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं। पहले इनकी खुशी को देखिए दोस्तों। और आइए ये बयान भी सुनते हैं कि बीएसटीसी वालों के जो छात्र नेता है जिन्होंने काफी संघर्ष किया उनका क्या मानना है। वो पूरे देश के बीएसटीसी वाले बच्चों, डीएलएड और बीटीसी वाले बच्चों को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और ये पूरे देश की जीत बता रहे हैं। जीत केवल राजस्थान के बीएसटीसी अभ्यर्थियों की नहीं, पूरे भारत के बीएसटीसी अभ्यर्थियों की जीत है, क्योंकि ये एनसीटी का कानून था, पूरे भारत के लिए कानून था। जज साहब ने ये कानून खारिज करके सबको राहत दी है, बीएसटीसी को प्रथम लेवल में अलाउ किया है, बीएड को बाहर किया है। तो दोस्तों अंत में एक बात मैं फिर से कह दूं कि ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से है, यूपी से कोई रिलेटेड नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई फैसला यूपी से आता है, यूपी की कोर्ट की कहती है, तब जाके यूपी में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। लेकिन ये बस पर्टिकुलर राजस्थान की बात की है और आपको बता दें कि यूपी में कम से कम अभी तक 15 लाख बीएड के अभ्यर्थी हैं, 15 लाख बीएड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, तो ये उनके लिए फैसला बिल्कुल नहीं है, ये राजस्थान की तरफ से बताया गया है। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी। ये खबर यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे जैसे भी इससे कोई रिलेटेड न्यूज आती है आप सबको शेयर किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जुड़े रहिए इस चैनल से, क्योंकि बहुत जरूरी है, एक स्टूडेंट्स की यूनिटी होना बहुत जरूरी है, एक आपस में तालमेल होना जरूरी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना जरूरी है जहां पे स्टूडेंट हित की बात की जाती हो, विद्यार्थियों की बात सुनी जाती हो और कोई समस्या पे समाधान निकाली जाती हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब तमाम यूट्यूबर से जो बीएड से संबंधित न्यूज़ बनाते हैं, वो एक एटलीस्ट एक ग्रुप बनाएं, चाहे टेलीग्राम पे या कहीं भी, जहाँ पे सारे बच्चे अपनी बात कर सकें, बात रख सकें, और ऐसी चीज़ें अगर फ्यूचर में यूपी बीएड के साथ आती है तो बैठ के एक फैसला लिया जा सके, एक हल निकाला जा सके। सो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, जुड़े रहिए चैनल से, जैसे कोई खबर आती है बीएड से रिलेटेड आपको जरूर बताया जाएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।